आप बोलिए भारत माता की। अरे यार ऐसे नहीं चलेगा। क्या हो रहा है यार दादा? बस्सी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। वाले सेट करके बैठ जाओ भैया वहीं पर। टीवी वाले बैठ जाए और फोटो खींचने वाले गलियारे में आ जाए जरा। सूरज चल एक मिनट उधर। सूरज अरे ये खोल ले 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 मायने टीवी सेट करके बैठ, कैमरा सेट करके बैठ जाओ। जरा बैठ जाओ तभी बोलूंगा मैं। वो स्वेटर वाले भाई बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाओ। मेरे केंद्रीय मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश शुक्ला जी, जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी जिनको जिताने के लिए मैं आया हूँ, भाई कन्हैया लाल मीणा जी, राजस्थान सरकार में आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मीणा जी यहां पर चुनाव के लिए आए, भाषण करने के लिए दिखाई पड़ता है ना बीच में, उसको जरा आगे भेज दो यहां भाषण करने के लिए। यूपी से पधारे हुए भाई राजकुमार चाहर जी, श्री अभय शंकर जी, श्री आदित्य जी, श्री जसकोर मीणा जी, श्री राघव शर्मा जी, श्री मनोज पंचोली जी और आज बस्सी की इस बड़ी सभा के अंदर आए हुए भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे पहले श्री नयनाथ महादेव और श्री गोविंद जी के चरणों में
मैं प्रणाम कर मेरी बात शुरू करता हूं। बस्सी एक ऐतिहासिक कस्बा है। बस्सी के अंदर ये बस्सी वीर पिताजी महाराज की कर्म भूमि है जो पूरे राजस्थान और आज हमने कन्हैया लाल जी को टिकट दिया है। ये कन्हैया लाल जी को टिकट नहीं है, बस्सी के आम कार्यकर्ता को टिकट देने का काम है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई पार्टी में भाई कन्हैया लाल जैसे कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता। वहां तो बड़े घर के अंदर जन्म लेना पड़ता है, राजकुमार बनकर आना पड़ता है। आना पड़ता है या नहीं आना पड़ता है बताओ भाई। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद को नहीं मानती, जो पार्टी की निष्ठा और देश की भक्ति में लीन है उसी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है। और आज भाई कन्हैया लाल को टिकट इसीलिए मिला है। और एक कांग्रेस पार्टी में अगर आपको कुछ भी बनना हो तो बड़े घराने में जन्म लेना पड़ेगा, सच है नहीं है? ये मेरे सामने युवा जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, आपको कांग्रेस पार्टी में कुछ मिल सकता है क्या? जरा बोलो भैया, मिल सकता है? यहाँ तो पोस्टर चिपकाने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आपके सामने। ये वो पार्टी है जहाँ चाय बेचने वाले गरीब के बेटे को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये भारतीय। और मित्रों, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ी विजय है। मित्रों, आने वाले दिन में 7 तारीख को पूरे राजस्थान की जनता को तय करना है कि आप यहां पर किसकी सरकार चुनोगे, भारतीय जनता पार्टी की चुनोगे या कांग्रेस पार्टी? मित्रों, जिस तरह से आपको यह तय करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा राजस्थान घूमते घूमते यहां आया हूं, पूरे राजस्थान में जनता पलक पावड़े बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी। मगर ये कांग्रेस के युवराज मैं अभी एक टीवी पर, अरे यार थोड़ा सम्मान से बुलाओ, राहुल बाबा का भाषण सुन रहा था। ये राहुल बाबा कह रहे थे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बने। सबसे पहले तो मैंने टेलीविजन में देखा रात है या दिन है, दोपहर थी दोपहर भाई, स्वप्न देखने चाहिए मगर बड़ी धूप में स्वप्न देखने चाहिए क्या बताऊं मैं? अरे राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है जब से मोदी जी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं वो सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी। आपकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को भारत के नक्शे पर दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ा है। मित्रों, उनको शायद देश का चुनावी इतिहास मालूम नहीं है,
बस्ती वालों में बताना चाहता हूं, आप सुनोगे क्या? बताऊं क्या? जो जरा ध्यान से सुनना और बोलना भी, बड़े आवाज से बोलना, राहुल बाबा को सुनाई पड़ना चाहिए। बोलो, देखे 14 के चुनाव के बाद सबसे पहला चुनाव आया महाराष्ट्र में, कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा आई। मेरे साथ बोलो, कांग्रेस की सरकार गई। दूसरा चुनाव हरियाणा में कांग्रेस गई। तीसरा चुनाव झारखंड में कांग्रेस गई। चौथा चुनाव कश्मीर में कांग्रेस गई। पांचवा चुनाव आसाम में कांग्रेस गई। छठा चुनाव मणिपुर में कांग्रेस गई। सातवां चुनाव मेघालय में कांग्रेस गई। आठवां चुनाव नागालैंड में कांग्रेस गई। नौवां चुनाव त्रिपुरा में कांग्रेस गई। दसवां चुनाव हिमाचल में कांग्रेस गई। ग्यारहवां चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस गई। बारहवां चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा सब गए। तेरहवां चुनाव गुजरात में फिर से भाजपा। चौदहवां चुनाव गोवा में फिर से भाजपा। अब राजस्थान की बारी है, बताओ भैया क्या होगा? जरा जोर से बोलो क्या होगा? एक बार जोर से बोलो क्या होगा? ये राहुल बाबा को स्वप्न आते। और मुझे तो स्वप्न आना कोई बुरी बात नहीं है भैया, मगर उसका कोई आधार तो होना चाहिए ना। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चार चार पीढ़ी से शासन कर रहा है आपका परिवार, राहुल बाबा सुन लो, चार पीढ़ी से शासन कर रहे हो। जवाहरलाल नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, सोनिया गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, आप भी लाइन में लगे हो। तनिक जरा हिसाब तो लेकर आ जाओ, आपने क्या किया? मित्रों, इस देश के अंदर कांग्रेस के 55 साल के शासन के अंदर 7 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, 6 करोड़ महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 8 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 2 करोड़ लोगों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 13 करोड़ युवा युवतियों को मुद्रा बैंक का लोन देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, ये राहुल बाबा को सत्ता पर आना है, ये बस्सी की जनता के सामने जरा हिसाब किताब लेकर आ जाओ, मेरे युवा मोर्चे के लड़के को खड़ा कर दूंगा, वो भी आपसे चर्चा कर लेगा कि हमने क्या किया। मित्रों, एक और उनके 55 साल का शासन है, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के 5 साल का शासन है। 5 साल फिर भी हम कई गुना आगे, और ये हमसे सवाल करते हैं। मित्रों, मैं आज एक पायलट जी, सचिन पायलट पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए क्या किया। मुझे सचिन पायलट को जवाब देने की जरूरत नहीं है, देना चाहिए क्या बताऊं? मगर ये बस्सी की जनता हमारी माई बाप है, उसको जवाब देने के लिए मैं आया। क्या बस्सी वाले जो खड़े हैं,
वो हमारे मालिक है, उन्होंने हमें सत्ता पर बिठाया है, मैं उनको जवाब दूंगा। मित्रों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इस सचिन पायलट यहां पर सांसद थे, उस वक्त राजस्थान के विकास के लिए एक साल के अंदर 13वें वित्त आयोग में राजस्थान के विकास के लिए 1,09,000 करोड़ भेजते थे। कितना भेजते थे बोलो, ऐसे नहीं आपको सब बस्सी वालों को बताना, जोर से बोलो कितना। अब नरेंद्र मोदी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, भाजपा सरकार ने 14वें वित्त आयोग के अंदर 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,63,580 करोड़ भेजने का था। मित्रों, 1,54,000 करोड़ रुपया ज्यादा भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये कहते हैं कि आपने उपकार किया, अरे सचिन पायलट जी, हमने उपकार नहीं किया है, ये तो हमारा फर्ज था, राजस्थान की जनता का अधिकार था जो हमने देने का प्रयास किया है। मगर आप इतने सालों तक राजस्थान की जनता का अधिकार उनको क्यों नहीं देते थे, वो बताइए बस्सी की जनता को, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए भैया, जोर से बोलो बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। ये कांग्रेस वाले वोट मांगने आएंगे तो पूछोगे या नहीं पूछोगे, जोर से बोलो पूछोगे या नहीं पूछोगे। मित्रों, इन्होंने हिसाब मांगा है, मैं लेकर आया हूँ, 129 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने, 129 योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, ओबीसी के लिए, शहर के लिए करी है 129। मगर अभी मुझे राजस्थान जयपुर में भी एक कार्यक्रम, समय नहीं है, मगर उन्होंने पूछा है मुझे बताना पड़ेगा, मैं जोर से पढ़ता हूँ, आपको संतोष हो जाए उस वक्त ताली बजा देना, पढ़ू जोर से ध्यान से सुनना, पढ़ता हूँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अरे भैया अभी तो साथ ही हुए हैं, साथ में आप थक गए, मोदी जी नहीं थके हैं, 129 योजनाएं जनता के विकास के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक जमाना था जब गरीब बाप बीमार पड़ जाए, बेटे के लिए कोई और चारा नहीं था, उसकी मजबूरी थी, सुनो भैया, उसकी मजबूरी थी, गरीब बाप बीमार पड़ जाए, बेटे के लिए कोई चारा नहीं था, मजबूरी थी, घर पे रखकर इलाज करता था, अस्पताल नहीं ले जा पाता था क्योंकि रुपया नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आई, कोई भी गरीब का बाप बीमार पड़े, गरीब माँ का बेटा बीमार पड़े, भगवान न करे उसको कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, किडनी बदलानी हो, लीवर बदलाना हो, कोई भी लकवा हो जाए, कोई भी बड़ी बीमारी आ जाए, 5 लाख तक का सभी खर्चा, 5 लाख तक हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, दवाइयां, टेस्ट, और ये सब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देने का काम करती है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार 50 करोड़ गरीबों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने, और एक कांग्रेस वाले, अरे यार अमित शाह मत करो, अमित शाह को सुनो, एक कांग्रेस वाले हमसे हिसाब मांग रहे हैं, अरे गहलोत जी, बामासा योजना के तहत वसुंधरा जी ने 24 लाख लोगों का इलाज कराया, 40 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिला, मुद्रा बैंक में 50 लाख लोगों को लोन मिली, 13 लाख लोगों को आवास मिला,
50 लाख महिलाओं को मोबाइल मिला, कॉलेज की युवतियों को स्कूटी मिली, 11 लाख बच्चियों को राजश्री योजना का फायदा मिला, 80 लाख परिवारों को शौचालय मिला, और आप हमें पूछते हो हमने क्या किया। अब तनिका आप तो बताओ कि आपने क्या किया। मित्रों ये सब बातें जाने दो, बस्सी वालों ध्यान से सुनो, ये सारी बातें जाने दो। नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। बहुत बढ़िया। 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार थी, मोनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हरोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुस आते थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उरी के अंदर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, हमारे 12 जवान जिंदा जल गए, पूरे देश के अंदर हताशा और निराशा। मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस बार मोनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। 10वें ही दिन उन्होंने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना के जवानों का मृत्यु का बदला लेकर वापस। और मित्रों जिस क्षण ये सेना के जवान वापस आए, उस क्षण एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। पूरी दुनिया में दो ही देश थे जो अपने सेना के शहीदों का बदला लेते थे, अमेरिका और इजराइल। इस सूची के अंदर तीसरा नाम मेरे और आपके महान भारत का जोड़ने का नाम नरेंद्र। मित्रों 70 से घुसपैठिए देश के अंदर घुसते थे, दीमक की तरह देश का भविष्य चाट जाते थे, उनको कोई बोलने वाला नहीं, सन 70 से घुसते थे। मगर नरेंद्र मोदी सरकार आप लोगों ने बना दी, असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम एनआरसी लेकर आए, एनआरसी के तहत 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम किया, 40 लाख घुसपैठियों। बस्सी वालों आप ताली बजा रहे हो, सीटी बजा रहे हो, मगर एक कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी राज्यसभा और लोकसभा में हाय तो बात करने लगे। अरे इनको क्यों निकाला, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनके ह्यूमन राइट का क्या, इतना आक्रंद कर दिया जैसे नानी मर गई। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, क्यों भाई आपके मौसेरे भाई लगते हैं? मित्रों बताओ मुझे, एक घुसपैठिया देश में आतंकवाद फैलाते हैं, उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना? कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है? कांग्रेस पार्टी को उसमें अपनी वोट बैंक नजर आती है। मगर बस्सी के युवाओं चिंता मत करो, एक बार हमारे कन्हैया लाल को जिता दो, एक बार भाजपा सरकार बना दो, 19 में मोदी सरकार बना दो, पूरे देश भर से कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर कच्छ तक एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय। अरे कांग्रेस वालों, आपके लिए घुसपैठिए वोट बैंक हो सकता।
वोट बैंक हो सकते हैं, हमारे लिए भारत माता की सुरक्षा से कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। मित्रों आप मुझे बताओ, सारे बस्ती वाले यहाँ इकट्ठित आए हो, भाई कन्हैया लाल को जिताओगे क्या? देखो भैया, जोश में हाँ बोलते हो, जोश में हाँ बोलते हो, ये 12-15 हजार लोगों से कन्हैया लाल जी जीत जाएंगे क्या? नहीं जीत सकते यार, हमने भी चुनाव लड़े हैं। ऐसे मत करो, जो क्या करोगे बताओ। मैं एक आइडिया बताऊं आपको, इतने लोगों के पास मोबाइल है, हाथ ऊपर करो, वास छत पर भी हाथ ऊपर करो भाई, कितने लोगों के पास मोबाइल है, इस छत पर भी सबके पास है ना। वो सभा समाप्त होते ही 50-50 लोगों को कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए फोन करना है, करोगे? देखो भाई को, भाभी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, फूफा को, फूफी को, माता को, पिता को, करोगे? जोर से बोलो, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? राजस्थान में फिर से भाजपा सरकार बनाओगे? नरेंद्र मोदी सरकार 19 में फिर से बनाओगे? भाई कन्हैया लाल जी को जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और विजय के संकल्प की मुट्ठी बिछो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता।